चैनल जिसका नाम है रिएक्शन वीकली। और दोस्तों आप लोग कैसे ठीक ठाक होंगे? सलाम नमस्ते और सत्यकाल कहते हैं आप लोगों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। जो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कोई से भी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं वो लोग, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन जाने वाने के उनका पता नहीं मजाक उड़ाएंगे या कुछ होंगे, मुझे कुछ पता नहीं। मैं वीडियो का टाइटल आपको पढ़ के सुना देता हूँ और क्या है। और प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें हमारे वीडियो को, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें हमारे वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है टॉप 10 वायरल इंडियन पीपल सोशल मीडिया 2019 YouTube इंडियन नेम रिमाइंड 2019 मेमार। तो चेकआउट करते हैं क्या है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है मुझे लग रहा है, शायद हो भी पाकिस्तानी। तो जो भी है चेकआउट करते हैं वीडियो को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। यार क्यों नहीं करते हैं शेयर, क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? जल्दी से करो सब्सक्राइब, लाइक करो, भी हमारी फैमिली में ज्वाइन हो यार। 1 2 3 एंड स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। स्टार्ट। तो और एक नए वीडियो स्वागत, आपका भी स्वागत। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उन लोगों के बारे में जिन लोगों मीम बनते हैं। हाँ, मीम के हमने पूरे साल भर के मजे लिए हैं, पूरे साल इंटरनेट पे छाई रही है। तो नंबर 10 पे है ये लोंडा, जिसने साबित कर दिया कि आज के जमाने में केला छुपाने से और छाती पे दो मौसमी लगाने से भी लोग फेमस हो सकते हैं। चीज को ट्रेंड में लाने वाला है हम सबका प्यारा दुल्हारा, लड़कों के हिलाने का सहारा, वन एंड ओनली मोंटी रोय। मोंटी रोय छुआरा अच्छा, ये तो वो है यार। कुछ भी कहो बंदा बड़ा क्यूट है, नहीं गोलू मुलू सा एकदम। इसने कुछ ऐसा कहा तो वायरल हो गया। कौन है वो पीछे तो देखो, ये तो पाकिस्तानी है ना, मैं बोलता पाकिस्तानी में। अगर ये हमारा गोलू मोलू सा बच्चा पहले होता तो भैया कसम से काफी चीजें नहीं होती, जैसे कटप्पा बाहुबली को नहीं मार। पीछे से मारा था कटप्पा को, जैसे हार्दिक पटेल को थप्पड़ नहीं पड़ती। नंबर 8 पे है ये मेजर साहब, जिसने एक स्पीच दौरान बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के आते पाकिस्तानियों को ये कहा था, ये कोई रंडी खा रहा है नहीं आ सकते तुम मेरे घर में, रंडी खा रहा है। नंबर 7 पे है ये मैडम जी, जो बात बात पे कहती है खोलो कपड़े। इसमें हुआ ये कि मैडम ने रात को गाड़ी ठोक दी और गाड़ी ठोकने के बाद पुलिस ने मैडम की गाड़ी का पीछा करते करते इसके घर तक पहुंच गई और पूछताछ करनी शुरू की तो मैडम ने रनी रोना स्टार्ट कर दिया। और इन पे भी भर भर के मीम बने, मीम्स भी बने। नंबर 6 पे है ये बंदा, तो देखो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैग वो जो स्कूल में ले जाते थे वही बैग ले जाते। आप ये मत करो, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले। क्या आप कॉलेज में स्टैंड आउट नहीं कर पाते? क्या आपको लड़कियां घास नहीं डालती? क्या आप स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कॉलेज में नहीं दिखते? तो उसका रीजन है आपका वही पुराना स्कूल वाला बैग। कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। इनकी ये जीरो के शाहरुख खान से हीरो के टाइगर बनाने वाले टिप्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का मीम मटेरियल बना दिया। मेरा नाम वैभव है, वैभव वोरा, मैं एक जैन हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 17 इयर्स का हूँ। 17 का यार ये भैंड का लोड़ा। कुछ अतरंगी सतरंगी लोंडे होते हैं जो कि एडवेंचर की तलाश में एक कदम और आगे निकल जाते हैं, उन्हीं में से एक लोंडा है ये। अच्छा, ये भी बहुत वायरल है वीडियो। यार मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इस लोंडे की वीडियो देखी होगी। ये वीडियो स्टार्टिंग में नॉर्मल लगता है, मतलब कि इस बंदे की फटी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बंदा दिखाता नहीं है कि मेरी नहीं फटी। तो इन भाई साहब के ऊपर जाके फट जाती है और इनको बीच आसमान में ही लैंड करना होता है। इन पे भी बहुत सारे मीम बने हैं। लैंड करना है अब अपने को, लैंड कराओ भाई, भी लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा।
और तो जुलाई में हुआ वर्ल्ड कप का मैच और उसमें हमें हार को झेला, पर खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान को हमने फिर से एक बार पेला और हमारे पास आई और एक नई मीम 119 तक ये भी बहुत बार एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली भाई। मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। नहीं नहीं जज्बात जिन लोगों को नहीं पता कि इस महापुरुष कौन है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट हारमोनियम प्लेयर और इनके अब्बा थे वो इनसे भी बेस्ट थे, वो और भी अच्छा बजाते थे। इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे वो ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे पाकिस्तान का। अब्बा हारमोनियम बजाते थे, मोइन अख्तर नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो हारमोनियम चाचा के भी थोड़े बहुत मीम देख लेते हैं। अबे साले तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे, अब्बा हारमोनियम खाते थे। ओ और इस साल पहली फुर्सत में गाली देकर फेमस हुआ। ये भी पहली फुर्सत में निकल, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो, तुम्हारे घर में माँ बहनी नहीं है क्या? ओ तो सिखाइए ना कैसे रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। मादर नाम है तेरा, तू है तेरी माँ की तेरी साली, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो। हिंदुस्तानी का एक नया मीम मटेरियल मिल गया और फिर क्या था, नंबर वन पे है ये महिला जिसे 5-6 महीने पहले कोई जानता तक नहीं था और आज उसका नाम इंडिया के बच्चे बच्चे तक को मालूम है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हाँ ये तो पाकिस्तान में जानते हैं। फिर होता यह है कि हिमेश रेशमिया रानू मंडल से तेरी मेरी कहानी नामक गाना गवाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, बस उसके बाद तो हमारी जनता पागल। जैसा कि सबको पता है कि चमत्कार को नमस्कार, जैसे ही ये गाना वायरल हुआ ठीक टिकटॉक पे बैठे हुए चुतियों ने हाथों हाथ झपेट लिया और शुरू हो गई टिकटॉक वालों की बकचोदी। तो बस यार हमारी यहाँ टॉप 10 की लिस्ट खत्म होती है। ये लिस्ट मैंने मेरे हिसाब से बनाई है, यहाँ हमने सिर्फ वायरल पीपल के बारे में ही बात की है। मुझे पता है कि कुछ वायरल मटेरियल बाकी है, लाइक जेसीबी की खुदाई, हार्दिक पंड्या की चुदाई, ट्रेन वाली आंटी, उन सबको हम अगले वीडियो में काउंट करेंगे मंथ वाइज जनवरी टू दिसंबर। तो बस सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, डोंट फॉरगेट लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात बन बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे नाइस वीडियो, नाइस बहुत जबरदस्त वीडियो। बहुत कुछ होते हैं मीम्स जिनकी वजह से बनते हैं, वो खुद जो वायरल होते हैं पेपर उनकी वजह से ही मीम्स बनते हैं। तेरी मेरी कहानी वाला मीम्स बना और मोइन अख्तर का भी मीम्स बना और हारमोनियम हारमोनियम क्या था, हारमोनियम खाते हैं नहीं बजाते हैं या खाते हैं। तो एक वो मूवी देखते वो तो पाकिस्तानी था और वो पीछे देखो वाला बच्चा वाला वो भी पाकिस्तानी था और वो जो फ्लाई कर रहा था बंदा, वो जो गालियां दे रहा था बहुत सारी, वो कहाँ का था, वो भी इंडिया का था, वो इंडिया का मीम्स था। और जो मारो मुझे वो बहुत ही फेमस हुआ था, मारो मुझे और हर वीडियो में मुझे देखने को मिलता है मीम्स में और रोस्ट वीडियो में भी मिलता है और हर जगह। और वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो वाली वो जो बाबू राव थी ना, चुप कर वो भी बहुत वायरल, हर मीम्स में हर रोस्ट वीडियो में वो ही मिलते हैं और बहुत सारे हैं, लाखों की लिस्ट में पड़े हैं जो वायरल भी पड़ते हैं और जिनकी एक वीडियो एक क्लिप जो है वो जादू कर देती है और भी वायरल हो जाती है आग की तरह और फुल मीम्स बनते हैं उसके ऊपर और फिर लोग हंसते हैं उसके ऊपर, फिर लोग बहुत मजा करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों को इससे कौन सा मीम्स ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा वायरल स्पेशल जो वीडियो में वायरल हो गया
सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और आप लोगों में से इनमें से कौन सा अच्छा लगता है, कौन फनी लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं हमारे साथ गुजारा दिन, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। हमें बर्दाश्त किया आपने तो हमारा भी मिस मजर तो चलते हैं एकदम। ओके लाफिस, ओके बाय 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 बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।